फोटो 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 कैसे होगा, फोटो 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 कैसे इसमें वाला मौर्या जी इधर, मौर्या जी इधर, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दक्षिण में पेरियार रामास्वामी नायक नारायण गुरु संत गाड़िए और आपके उत्तर भारत में बिहार में शहीद चंद्रदेव तो उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों की धरती रही है। इस आजमगढ़ पर भी तमाम सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की पहल हुई। आपको देते हैं सर, कल डिप्टी सीएम आए थे जैसा कि आजमगढ़, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब जो है समाजवादी पार्टी हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? पहली बात तो जो खुद अपना चुनाव हारे हो उसको इतना बड़ा घमंड नहीं पालना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत को शायद उनको एहसास नहीं है, उनको अपने सत्ता के दुरुपयोग पर बड़ा अहम है। हम समझते हैं ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, वो उनका सत्ता का मत बोल रहा है और उनका घमंड बोल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चचा बिहार गए, भतीजे बिहार गए, आप समाजवादी पार्टी से कोई नहीं चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश इसलिए नहीं होना चाहिए कि अंधे के हाथ बटेर कभी कभी लग जाती है। पिछले चुनाव में भाजपा बड़ी मुश्किल से सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से जीती है, अब फिर अगर भाजपा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसकी जमानत भी जब्त होगी। प्रकाश राजभर जी फिर ज्वाइन कर लिए, कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत स्वागत, उसको कैसे क्या? अब ये ऐसे लोग जो समाज का सौदा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ही समाज उनको सबक सिखाएगा। चारों ताड़ना के अधिकारी तो क्लेश अलंकार भी तो होता है हिंदी में, जिसका अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ होता है। तो ये अगर अलंकार होता ही है तो शूद्र की जगह महिलाओं की जगह ब्राह्मण क्यों नहीं लिख दिया, क्षत्रिय क्यों नहीं लिख दिया? तो इसलिए ये ऊट पटांग की बात, गलती करने वाले अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की ओछी बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी जो पुरानी रामचरित मानस की प्रति है उसको उठाओगे तो उसमें आज भी लिखा हुआ है मारना पीटना प्रताड़ित करना। कुछ लोग बचाव में कहते हैं शिक्षा देना, अगर शिक्षा देना सही है तो मैं ऐसे साधु संतों से पूछना चाहता हूं, आज हिंदू राष्ट्र के राग मारने वाले लोग कोई देश के आदिवासियों दलितों धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया था, आज उनको यह सुविधा मिल रही है। यही सामाजिक परिवर्तन का बिगुल फूका था। ये वही धरती है जहां पर गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए रामधन जी जैसे सांसद हुआ करते थे। इसे साथियों महेश अपने महापुरुषों की धरती शिक्षा की बात की जा रही है तो स्त्रियों की शिक्षा जो रुकी हुई थी वो तो मुगलों के आने के बाद से रुकी हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई है। अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन रुकी कब थी? जब तक तथाकथित हिंदू थे, हिंदू का शासन चलता था, मनुस्मृति का शासन चलता था, तब उस समय शिक्षा नहीं थी, महिलाओं को भी शिक्षा नहीं थी, शूद्रों को भी शिक्षा नहीं थी। इतिहास में बहुत सारी महिलाएं विद्वान मिली हैं। विद्वान होना तो तमाम ऐसे अनपढ़ लोग ही विद्वान हो जाते हैं। संत कबीर भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन आज उनकी लिखी हुई बातों पर तमाम दुनिया के विश्वविद्यालयों में शोध होते हैं। आज भाजपाइयों ने आपका पुतला फूंका है और काली झंडी दिखाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे आपके आने से पहले? अब जो हमारी ताकत और लोकप्रियता से भयभीत हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तर्क पर वो कोई मुझे काला झंडा दिखाएगा, कोई मुझे मेरा पुतला फूकेगा, लेकिन मेरी ओर से सबको सबका स्वागत है। जो साथ चल रहा है उसका भी स्वागत, और जो चाहे अनचाहे मेरा नाम लेकर के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं उनका भी स्वागत है।